हाय दोस्तों, फरीन्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेथी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी एकदम बेसिक मसालों से जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी चिकन की रेसिपी। मेथी चिकन के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। उसके लिए ले लिए मैंने एक जोड़ी मेथी, इसे मैंने अच्छे से साफ करके धो के लिया है दो पानी से। और ये ले लिया है मैंने बोनलेस चिकन, 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, छोटे पीसेस में कट कर लिया है और धो के ले लिया अच्छे से। दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, दो मीडियम साइज़ की लंबे पीसेस में कटी हुई प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के लिया है मैंने, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और हल्दी। उसके लिए ले लेंगे एक बर्तन, गैस ऑन कर लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम तेल। तेल हम मेथी में थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। आप कोई भी तरीके की मेथी बनाइए, तेल ज़्यादा डालिए तभी खाने में मज़ा आएगा। प्याज डाल देंगे सबसे पहले इसमें हम। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हो चुकी है प्याज लाइट गोल्डन अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम कूटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। हरी मिर्च और लहसुन आपको कूट कर ही डालना है। मिक्स करके इसे फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। हो चुकी है हरी मिर्च और लहसुन फ्राई अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम टमाटर, नमक और हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे इसमें हम चिकन। सारे मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। भून लिया हमने अच्छे से। चिकन को गलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने बोनलेस चिकन लिया है। अब इसे ढक के रख देंगे हम 5 मिनट के लिए। चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में ये पक जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, खोल देंगे हम ढक्कन। देखिए पानी छूट गया है, चिकन भी गल गया है अच्छे से। बोनलेस चिकन है इसलिए तुरंत से पक जाता है ये। फिर से मिक्स कर लेंगे इसे। अब डालेंगे इसमें हम मेथी। डाल देंगे हम सारी मेथी। चिकन मसालों के साथ हम अच्छे से मेथी को मिक्स कर लेंगे। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब मेथी को हमें ऐसे ही खोल कर पकाना है, ढक के नहीं पकाना है वरना मेथी का कलर चेंज हो जाएगा। मेथी ने जो अपना पानी छोड़ा है उसमें ही हमें इसे पकाना है। देखिए पानी सूख चुका है पूरा, चम्मच चला लेंगे इसमें हम। बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें और मेथी का कलर भी चेंज नहीं हो गया है खुले रख कर पकाने से। ये हो गई हमारी मेथी चिकन बन के रेडी। अब कर देंगे हम गैस को बंद और कर लेंगे इसे हम डिश आउट। कर लिया हमने इसे डिश आउट। आपको मेरी मेथी चिकन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।